दोस्तों कल की तारीख यानी 15 नवंबर हिंदुस्तानी टेलीकॉम सेक्टर के लिए सबसे बड़ा दिन बोल सकते हैं, वो डाउनफॉल का दिन बोल सकते हैं, क्योंकि कल हिंदुस्तान में दोस्तों अब तक का सबसे बड़ा क्वार्टरली लॉस दिखाने वाली कंपनी में दोस्तों एयरटेल और वोडाफोन शामिल हो चुकी है, जहां पे करोड़ों हजारों का दोस्तों यहाँ पे करोड़ों रुपए का दोस्तों यहाँ पे लॉस दिखाया गया है। क्या है दोस्तों ये न्यूज और कितना नुकसान हुआ दोस्तों इन दोनों कंपनियों को, वोडाफोन आइडिया और एयरटेल को दोस्तों, उसके बारे में बात करेंगे। और इसका दोस्तों दुष्प्रभाव क्या पड़ने वाला है इंडियन टेलीकॉम सेक्टर पे, उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो प्लीज बने रहिए इस वीडियो के साथ अंत तक। मैं हूं आपका दोस्त नील शेखावत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोनील फ्रेंड्स। अभी सब्सक्राइब करें हमारे टेक्नोनील चैनल को और हमें बनाइए 1 मिलियन की टेक्नोनील फैमिली। इसके साथ साथ इस घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए हमारे आने वाले सारे टेक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए दोस्तों। तो फ्रेंड जैसे कि आप सभी जानते हैं जिस दिन से सुप्रीम कोर्ट का यहां पे डंडा चला है, एजीआर की नई डेफिनेशन यहां पे जब से सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दी है, इंडियन पूरी की पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्री पे ऑलमोस्ट 1.2 लाख करोड़ का दोस्तों यहां पे बर्डन आ चुका है, कर्ज दोस्तों इनको है जो इन्हें देना पड़ेगा, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन यानी डीओटी को देना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों कल जो हुआ वो अब तक का सबसे बड़ा झटका बोल सकते हैं दोस्तों। कल यानी 15 नवंबर में दोस्तों सबसे पहले बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट का जो एजेसिस ग्रॉस रेवेन्यू था, उसके बाद दोस्तों यहां पे भारतीय एयरटेल ने दोस्तों कल यहां पे जो नुकसान दिखाया वो है 23,045 करोड़, मतलब 23,000 करोड़ का दोस्तों यहां पे नुकसान दिखाया है जून से लेके सितंबर क्वार्टर के बीच में दोस्तों, जून जुलाई अगस्त और सितंबर, बस इस क्वार्टर के अंदर 23,000 करोड़ का दोस्तों यहां पे नुकसान दिखाया, लॉस दिखाया यहां पे भारतीय एयरटेल ने। एजीआर बेस लाइसेंस फीस प्लस स्पेक्ट्रम यूजेस चार्जेस को दोस्तों यहां पे ड्यूज को मद्देनजर रखते हुए 23,000 करोड़ का दोस्तों यहां पे लॉस दिखाया भारतीय एयरटेल ने। आपको ज्यादा लग रहा है 23,000 करोड़, अब थोड़ा और आगे चलते हैं और देखते हैं वोडाफोन आइडिया का दोस्तों कितना लॉस है। दोस्तों हमें वोडाफोन आइडिया की बात कर ले दोस्तों, तो वोडाफोन आइडिया का दोस्तों वॉस पॉसिबल सिचुएशन फाइनेंशियल दोस्तों किसी भी कंपनी के लिए सबसे गंदी सिचुएशन में दोस्तों इनका जो आया टेलीकॉम ऑपरेटर का दोस्तों यहां पे हिंदुस्तानी टेलीकॉम में, इनका दोस्तों 50,921 यानी ऑलमोस्ट 51,000 करोड़ का दोस्तों, 50,921 यानी ऑलमोस्ट 51,000 करोड़ का दोस्तों यहां पे लॉस दिखाया है। जहां पे बताऊं दोस्तों इन दोनों ही कंपनी ने कितना मार्जिन रखा, कितना दोस्तों अलग पैसा रखा है जो इन्हें सरकार को देना है, तो इसमें दोस्तों बताऊं कि हाईएस्ट एवर दोस्तों रिकॉर्ड हो चुका है इंडियन कॉर्पोरेट हिस्ट्री के अंदर, इतना सारा अभी तक एक क्वार्टर में किसी का भी दोस्तों इतना सारा लॉस नहीं हुआ है। यहां पे बात कर दोस्तों वोडाफोन आइडिया की, तो वोडाफोन आइडिया ने दोस्तों यहां पे 25,680 करोड़ जो है दोस्तों साइड में रखे हैं जो इनको देने पड़ेंगे दोस्तों एजीआर की जो नया डेफिनेशन यहां पे है उसके लिए। और इसके अगर बात करता हूं दोस्तों मैं यहां पे एयरटेल की, तो एयरटेल ने ऑलमोस्ट 28,450 करोड़ दोस्तों यहां पे जो है पैसा साइड में रखा है देने के लिए, मतलब एक अलग बजट यहां पे बना लिया दोस्तों, एलोकेट कर दिया उस पैसे को जो पैसा इन्हें सरकार को देना पड़ेगा। मतलब दोस्तों 50,000 करोड़ का वोडाफोन आईडिया का दोस्तों यहां पे जून से लेके सितंबर क्वार्टर का दोस्तों इतना बड़ा नुकसान यहां पे दिखा, जो अब तक का सबसे बड़ा नुकसान हो सकता है दोस्तों। मतलब कंपनियों की कमर पूरी तरह से दोस्तों यहां पे टूटी हुई है। अब दोस्तों आने वाले टाइम इन कंपनियों के लिए डेफिनेटली अच्छा होने वाला नहीं है, क्योंकि बात करें फाइनेंशियली भी टूट चुके हैं। अगर शेयर मार्केट में इनकी प्राइस देखी जाए खास करके दोस्तों वोडाफोन आईडिया की, तो ऑलमोस्ट 3 रुपए में दोस्तों इनका शेयर अभी ट्रेंड कर रहा है। बात करता हूं एयरटेल की, तो ऑलमोस्ट 352 रुपए समथिंग है भारतीय एयरटेल दोस्तों, किस तरह से निकलेगा लेकिन वो मैनेज कर लेगा ऐसा लगता है। लेकिन वोडाफोन आइडिया के लिए ये समय कठिन होने वाला डेफिनेटली। यहां पे दोस्तों कंपनी ने, दोनों ही कंपनी दोस्तों वोडाफोन आइडिया एयरटेल ने दोस्तों यहां पे सरकार से गुहार लगाई कि कुछ यहां पे रिलीफ पैकेज सरकार की तरफ से आना चाहिए, कुछ यहां पे दोस्तों सरकार को कुछ इनकी मदद करनी चाहिए। यहां तक कि दोस्तों एक न्यूज भी आई थी कि यहां पे निर्मला सीतारमन जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने दोस्तों ऐसा बोला कि हम किसी भी टेलीकॉम कंपनी को बंद होने नहीं देंगे, कुछ ना कुछ दोस्तों सरकार में बैकग्राउंड में कुछ चल रहा है दोस्तों, हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर सरकार कुछ यहां पे इनको राहत पैकेज दे या दोस्तों कुछ ईएमआई जैसा सिस्टम या जो इन्हें पैसा दोस्तों भी 3 महीने के अंदर देना, उस पैसे को दोस्तों हो सकता है यहां पे इनको कुछ लॉन्ग टर्म रिलीफ दे दी जाए कि इस बेसिस पे आप, इस ईएमआई बेसिस पे आप पैसा दे सकेंगे, कुछ ऐसा डेफिनेटली दोस्तों प्लानिंग चल रहा है। लेकिन अभी कुछ फाइनल नहीं दोस्तों, जैसे ही कुछ आएगा सबसे पहले आपका भाई आपको बताएगा। लेकिन फिलहाल दोस्तों कल का दिन इन दोनों ही कंपनी के लिए, वोडाफोन आइडिया और एयरटेल के लिए, अच्छा नहीं था, क्योंकि हिंदुस्तानी इंडस्ट्री में, कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में दोस्तों एक क्वार्टर में दोस्तों जून से लेकर दोस्तों सितंबर का ही दोस्तों यह था, इसमें इतना बड़ा नुकसान ऑलमोस्ट 50,000 करोड़ का दोस्तों एक कंपनी का नुकसान अभी तक कभी जिंदगी में भी नहीं हुआ। तो दोस्तों ये थी एक बड़ी अपडेट जो आई थी दोस्तों यहां पे वोडाफोन आइडिया और एयरटेल की तरफ से, कि इन्होंने अभी तक का सबसे बड़ा नुकसान यहां पे किया। अब आने वाले टाइम में दोस्तों कंपनी किस तरह से सरवाइव करेगी वो तो देखने वाली बात है दोस्तों। ये वीडियो अगर अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो एक थम्स अप तो बनता ही, आपके भाई का चैनल है, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ, उन्हें डेफिनेटली अच्छा लगेगा। पहली बार हमारे चैनल पर हैं, पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो नीचे आपको लाल कलर का बटन देखेगा, उसको सब्सक्राइब का बटन बोलते हैं, उसको दबा दबा के तोड़ दीजिए। उसको दबाने से हमारी छोटी सी टेक्नोनील फैमिली के वीआईपी मेंबर बन जाएंगे। उसके पास ही देखिएगा आपको एक घंटी का बटन, उसको
जोर दबा देना, उसको दबाने से जब भी मैं एक नया वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड करूंगा सबसे पहले आपको मिल जाएगा इसका नोटिफिकेशन, सबसे पहले आप देख सकेंगे मेरा नया वीडियो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ एक नई बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।